महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे, एक दिन जेल में बिताओ तब सावरकर का बलिदान समझ में आएगा, राहुल पर भड़के शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर का अपमान किया है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी को जिस कानून के तहत संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिया गया है उसे यूपीए सरकार ने बनाया था और मोदी सरकार ने उसे महज लागू किया है। राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य हो गए हैं, लेकिन वे लगातार विनायक दामोदर सावरकर का यह कहकर अपमान कर रहे हैं कि वह सावरकर नहीं है जो माफी मांगे। वह खुद को क्या समझते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि सावरकर देशभक्त हैं, क्यों देशभक्त का अपमान? महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी और सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, लोग उन्हें महाराष्ट्र की सड़कों पर चलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में निलंबित किए जाने के विरोध में ठाणे कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर विरोध जताया। शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण के नेतृत्व में प्रदेश सचिव ठाणे प्रभारी संतोष केनी की मौजूदगी में तमाम कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास जमा हुए और नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर चव्हाण ने चेतावनी दी कि मोदी सरकार का सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश का विरोध जारी रहेगा। इस दौरान युवक कांग्रेस के लोगों ने संविधान की शव यात्रा निकाली और जवाहर बाग शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार किया। राहुल के समर्थन में आवाहड़ एनसीपी विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाहड़ राहुल के समर्थन में आए हैं। आवाहड़ की तरफ से शहर के विभिन्न स्थानों पर राहुल के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें शामिल की गई हैं और लिखा है कि यह देश बदले की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। भिवंडी में लोकतंत्र को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और संसद की सदस्यता रद्द किए जाने से नाराज भिवंडी युवक कांग्रेस ने आंदोलन किया। इसके तहत लोकतंत्र को सांकेतिक स्ट्रेचर पर लिटाया गया। भिवंडी युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष राहुल पाटिल एवं प्रदेश सचिव नीलेश जेडगे के नेतृत्व में नारपोली इलाके में प्रदर्शन किया गया।